हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमन्स प्राइमरी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं यूनिट 7 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। लास्ट क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन किया था। मल्टीप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, आज हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हम डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर्स की, कैसे करेंगे। सो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करना है, वो प्रोसेस आज हम अभी सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, इफ आई हैव अ नंबर 18.24 डिवाइड बाय 8। इन दिस क्वेश्चन हियर इट इज आवर डिविडेंड एंड इट इज आवर डिवाइजर। सो लेट अस डू डिवीजन प्रोसेस ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। इट्स होल नंबर, इट्स डेसिमल नंबर। डिविडेंड 18.24 डिवाइड बाय 8। सो वी विल चेक हेयर 1 इज लेस देन 8, सो वी विल टेक अनदर नंबर, इट बिकम्स 18। नाउ वी विल चेक इन द टेबल ऑफ 8, इफ 18 कम्स देन वी विल डिवाइड बाय दैट नंबर। If it not comes, we will check less number. More than 18 we can't take. Now we will check 8 3s are 24, so it is more than 18, so we can't take it. We will check 8 2s are 16, it is less than 18, so we will go on 2. 8 2s are 16. Here we subtract 16 from 18, so 8 minus 6, 2, 1 minus 1, 0. Now we will go on another digit, so it comes first decimal. In this process we will check, this is the important point in this portion, in this dividend. When decimal point come in quotient, we will put directly above the dividend decimal. Here we will put decimal, then we will take 2 down from here. Now it becomes 22. Ab hum isme check karenge, 8 2s are 16, 8 3s are 24. Then we will again go on to 8 2s are 16, so we will subtract 16 from 22, then 6 left. Now we will take 4 down in table of 8. 8 8 are 64, it goes on 8. 8 8 are 64, now it remains 0. It is our remainder, it is our quotient. In this quotient, one main step is this, pointing the decimal. कैसे place करना है इसको, ये main है. So इसमें क्या होता है, decimal point will come directly above the
decimal, point in the dividend means divide करना same होता है, but इसमें क्या है, अगर decimal है तो directly decimal जहां पे हमारे पास dividend है उसके ऊपर ही आएगा. जब हमने इसमें divide किया 8 2 16, तो यहां से हमने subtract किया 2 रह गया. तो अब हमने इसके डेसिमल आ गया, डेसिमल आते ही हम क्वेश्चन में भी डायरेक्ट इसके ऊपर डेसिमल पुट करेंगे. ये इसका मेन स्टेप है, बाकी प्रोसेस सेम होती है डिवीजन की. सो हियर वी गेट क्वेश्चन इज इक्वल टू 2.28 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. इट इज आर आंसर. इट इज द प्रोसेस ऑफ division of a decimal number by a whole number. Let us do one more question here. जितना हम इसमें practice करेंगे उतना ही ये हमारे को ये point हमारे mind में set हो जाएगा. Question number 2. 4.9 divide by 7. So dividend 4.9 और डिवाइजर है हमारे पास 7 और डिवाइड करेंगे तो 4 क्या है हमारे पास 7 से लेस है. सो हमें अनदर नंबर लेना पड़ेगा. उसके लिए पहले हमारे पास क्या आ रहा है, डेसिमल. तो डेसिमल के डायरेक्ट ही ऊपर हमने क्या है, डेसिमल पुट करना है. यहां हमने 0 किया पुट, इस पे डिविजिबल नहीं था डिविजिबल. सो इसके डायरेक्ट हमने ये डेसिमल पुट कर दिया. अब हम इसका ये 9 भी ले सकते हैं. अब हम चेक करेंगे 7 के टेबल में 49 कहाँ रहा है, 7 पर. 7 7 जा 49. नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 में 49 0. इट इज आर रिमाइंडर, इट इज क्वेश्चन. हियर वी गेट क्वेश्चन इज इक्वल टू 0.7, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. इट इज आर आंसर. बस मेन प्रोसेस क्या है, डेसिमल जहां पर इधर हमारे पास डिविडेंड में इसके डायरेक्टली अब पुट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. 0.077 डिवाइड बाय 7. अब मैं यहां पर चेक कर रही हूं, ये हमारे पास है डिविडेंड 0.077 और डिवाइजर हमारे पास 7. तो हमने यहां पर क्या है 0, तो 0 तो इससे छोटा होता है. अब हमारे पास क्या आ गया है, डेसिमल. तो डेसिमल के डायरेक्ट ऊपर डेसिमल आएगा, 0 पॉइंट हमने पुट कर दिया. फिर क्या है, अगेन 0 है तो ये नहीं जा रहा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद क्या है हमारे पास 0 है. फिर हमें एक और नंबर लेना पड़ रहा है. एक नंबर हम ले सकते हैं, दूसरा नंबर अगेन अगर हम ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, 0 पुट कर दिया. फिर हमने ये दूसरा नंबर लिया. अब हम चेक करेंगे 0.7 है, ये 7 पे जा रहा है तो 7 बन जा 7. 7 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0. अब यहां से हमने डाउन लिया 7, फिर 7 बन जा 7 0. सिर्फ मेन है डेसिमल के ऊपर डेसिमल. डेसिमल के बाद एक डिजिट हम ले सकते हैं. अगर हमने दूसरी डिजिट कॉन्टिन्यू ले ली है, जैसे हम दो डिजिट नीचे डाउन इकट्ठे लेनी पड़ती है, अगर इससे छोटा होता है तो हम 0 पुट करते थे. ऐसे ही हमने इसका 0 पुट किया तो हमने 7 लिया. अगेन फिर हम 7 है तो 7 इसके इक्वल है तो 7 बन जा 7 से ये डिविजिबल है 1 पे. तो हमने डिवाइड किया, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 0. नेक्स्ट हमने स्टेप में 7 डाउन लिया तो अब हमने यहाँ पे 1 से डिविजिबल है, 7 बन जा 7. इट्स आर रिमाइंडर 0. इट्स आर क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस में सिर्फ हमने एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, ये पॉइंट मैं अगेन रिमाइंड करवाती हूँ. वी शुड टेक केयर जस्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट विल डायरेक्टली कम अबव द
decimal, point in the dividend. Here we get quotient is equal to 0.011 and remainder is equal to 0. It's our answer. One more thing in this type of question is question number 2 we will do here. We will observe question number 4. If I have a number 4.23 divided by 5, मेरे पास ये नंबर है. अभी तक क्या था, जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनमें क्या था, हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ रहा था. अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं रह रहा तो उसको हम आगे सॉल्व कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को इस क्वेश्चन में हम अंडरस्टैंड करेंगे. 4.23 डिवाइड बाय 5. सो चेक करेंगे 4 जो है 5 से छोटा है, नहीं होगा डिवाइड तो हमें डेसिमल से आगे जाना पड़ेगा. तो डेसिमल के डायरेक्ट अब हमें क्या रखना पड़ेगा, डेसिमल 0. अब हम ये ले सकते हैं 5 8 40, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 में से 0, 2. अब नीचे हम डाउन लेके 4 में से 4 कट करेंगे 0, 3. 5 4 20, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रह गया हमारे पास. अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 3. तो हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो हम पुट कर सकते हैं रिमाइंडर के बाद, क्योंकि अगर हम इसमें जीरो और पुट करें तो इसकी वैल्यू सेम रहती है. सो हम एक जीरो यहाँ पुट कर देंगे तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये किस पे जाएगा, डिविजिबल होगा 5 6 30, रिमाइंडर 0. इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया है, हेयर वी ऑब्जर्व की on adding zeros and divide till remainder is zero. जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता तब तक हम इसको डिवाइड कर, जब तक इसको जीरो ऐड कर सकते हैं, टिल नो रिमाइंडर लेफ्ट और रिमाइंडर इज जीरो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेगा. थैंक यू.